आज के इस वीडियो में आपको पेटीएम पोस्टपेड बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई भी अलग एप्लीकेशन का यूज नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको पेटीएम के अंदर ही एक ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आपको जो 1% का बस चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे जो पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा 9000 का यहाँ पे लिमिट मिला, इसे मैं बैंक में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको रेंट ऑन क्रेडिट कार्ड पे सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे रेंट पेमेंट के सामने में ही आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्त का यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स डालना है, या आप UPI के माध्यम से सेंड करना चाहते हो तो UPI को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका अपना डिटेल्स आप खुद का मत डालना, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ही आप डाल के प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बैक आ जाएगा, उसके बाद माई पेमेंट के नीचे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो आप अकाउंट डिटेल्स डाले होगे। तो चले मैं यहाँ पे UPI ID डाल लिया हूँ, तो यहाँ पे पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपको जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं 8910 रुपये डाल देता हूँ, डालने का प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर ऊपर में अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड नहीं शो होता है तो आपको व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा पेटीएम पोस्टपेड यहाँ पे शो हो गया है, और यहाँ पे मुझे 1% का चार्ज लग रहा है वो भी शो हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे जो है पे पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही पे पर क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन जो है प्रोसेसिंग में, कुछ समय के बाद ये जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन तभी शो होगा पेमेंट टाइम में अगर आप 2000 या 2000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो है 2000 या 2000 से ज़्यादा का ही ट्रांजेक्शन करना है, तभी आप जो यहाँ पे आपको जब पेमेंट करने जाओगे तो आपको वहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पेमेंट जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। जो बैंक अकाउंट में यहाँ पे डाला था उसमें मेरा ये पैसा मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।